हमारी सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवाई या फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की सलाह या राय नहीं देते और हमारी वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमारे पास साल के अनुभव की सहायता से दी गई है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो है बहुत बारिश हुई कल, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत सारी बारिश भी हुई है। तो इसी के लिए जो है आज हम दो स्प्रे लेने वाले हैं। पहला होगा बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए और दूसरा होगा फंगीसाइड का स्प्रे होने वाला है। बैक्टीरियल ब्लाइट का जो है हम पेड़ों के लिए लेने वाले हैं, मतलब पेड़ों पर लेने वाले हैं, और दूसरा लेने वाले हैं फंगीसाइड, जो कि हम बेड पर इस्तेमाल करेंगे। ताकि क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में अब अगर धूप खिलती है तो वातावरण है वो बहुत गर्म हो जाएगा, उससे फंगस बढ़ने का खतरा होता है पेड़ों पर या फिर फलों पर। तो उसके लिए हम एक स्प्रे लेने वाले हैं और एक लेने वाले हैं बैक्टीरियल ब्लाइट का। तो मान लीजिए अगर बारिश की बूंदें इस फल पर गिरती है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से अफेक्टेड है, तो क्या होता है कि यहाँ पर बूंद गिरी बारिश की उस दाग पर, और वो दाग पर जो पानी मतलब जो पानी गिरेगा वो अगर नीचे वाले फलों पर गिरेगा तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है फैल जाएगा और ये जो फल है बाकी के तो उस पर भी बैक्टीरियल ब्लाइट आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो है हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो है स्प्रे लेने वाले हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस बोनट का, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो फलों को सख्त करता है, जिससे कि फल अगर आपके सख्त होंगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो अगर थोड़ा बहुत है भी फलों पर तो वही के वही जो है रह जाता है, ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। तो उसका हम स्प्रे लेने वाले हैं। तो चलिए हम स्प्रे की जो है तैयारी शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब है। तो कल क्या हुआ कि ज़्यादा हवा चलने लगी थी, तो क्या हुआ कि पेड़ों की जो टहनियाँ हैं तो एक दूसरे को जो है घिस रही थी और इस तरीके से जो है कुछ नुकसान हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं फल जो है पेड़ों से टूटकर गिर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब फल जो है काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है फलों की, तो हमें जो है इसे बांधना पड़ेगा। अब जो टहनियाँ है तो इस इन तारों में बांधना पड़ेगा, तो हम वो भी काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। चलिए आज स्प्रे ले लेते हैं, तो कल से हम पेड़ों को जो है बांधने का काम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं बोनट। तो इसका प्रमाण जो है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से है। और उसके साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसका कंटेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% में, तो इसका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन दोनों को मिला के इसका स्प्रे हम लेने वाले हैं। तो चलिए इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो 600 लीटर पानी के लिए जो है हम कुल 20 पाउच इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि होंगे लगभग 120 ग्राम। तो एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब, और ये स्प्रेइंग का काम जो है शुरू होने वाला है। तो ये है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए स्प्रे। थोड़ी देर में जो है हम बोर्डो सल्फर का स्प्रे लेने वाले हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।